प्रिय दर्शकों, पर्वतों का उदाहरण अक्सर मजबूती और बुलंदी को लेकर दिया जाता है, पर क्या आपको पता है कि भारत की सीमाओं की मजबूती से रक्षा करने वाला हिमालय पर्वत दुनिया के सबसे कमजोर पर्वतों में से एक है। दुनिया के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट को अपने में समेटे हुए इस पर्वत की चट्टानें कई जगहों पर काफी कमजोर और भुरभुरी हैं। आज इस वीडियो में हिमालय की उत्पत्ति, हिमालय के रहस्यों के बारे में जानेंगे। इस वीडियो को आप शेयर अवश्य करेंगे, ऐसी हमें उम्मीद है। दोस्तों, दुनिया के सबसे नए पर्वतों में शुमार हिमालय के आसपास काफी सघन आबादी रहती है। इसकी वजह पर्वत श्रृंखलाओं से निकलने वाली नदियां हैं। ये नदियां दुनिया की आबादी के करीब पांचवें हिस्से को पानी देती हैं। लेकिन हिमालय और इसके आसपास की जमीन अपने अंदर काफी हलचल समेटे हुए है, जो समय समय पर जमीन की सतह पर भी दिखती रहती है। ये हलचल हिमालय और इसके आसपास रहने वाले लोगों के लिए खतरनाक हो सकती है। इस खतरे की वजह दरअसल हिमालय की बनावट में ही छिपी है। आइए जानते हैं कि किस तरह के खतरे को अपने अंदर समेटे हुए है महान हिमालय। कहते हैं हिमालय भारत में स्थित एक प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। हिमालय को पर्वत राज भी कहते हैं, जिसका अर्थ है पर्वतों का राजा। कालिदास तो हिमालय को पृथ्वी का मानदंड मानते हैं। हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएं शिवालिक कहलाती हैं। अब जान लें आखिर कैसे बना हमारा हिमालय। माना जाता है कि इस पृथ्वी पर केवल एक ही महाद्वीप पेंजिया था और पूरी पृथ्वी पर केवल एक ही सागर था, जिसे पैंथा लासा कहते थे। लेकिन बाद से भूभाग के अंदर होने वाली हलचलों के कारण ये महाद्वीप दो भागों में विभाजित हुआ, उत्तर में अंगारा लैंड और दक्षिण में गोंडवाना लैंड। इन दोनों के बीच टेथिस सागर का निर्माण हुआ। धरती के अंदर हुई हलचल के कारण गोंडवाना लैंड से कई अन्य भूभाग भी अलग हो रहे थे। ऐसे में भारत का भूखंड भी गोंडवाना लैंड से धीरे धीरे अलग होता गया। और आज से लगभग 13.5 करोड़ साल पहले एक समय ऐसा आया कि भारतीय भूखंड और यूरेशिया की प्लेटें आपस में टकरा गईं और टेथिस सागर के अंदर जो मिट्टी, कंकड़, बजरी, गाद आदि थी, उसी से हिमालय का निर्माण हुआ। बता दें कि कर्क रेखा से ऊपर होने के कारण हिमालय काफी ठंडा है और यहाँ हमेशा बर्फ जमी होती है। इसके अलावा समुद्र तल से इसकी औसतन ऊंचाई 8000 मीटर है, इसीलिए यहाँ पर ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। अब आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि हिमालय की खासियत भी है उसकी मुसीबत। दोस्तों, हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि हिमालय साइबेरिया और चीन से आने वाली सर्द हवाओं से हमारी रक्षा करता है। इस तरह से ये भारत की जलवायु को उष्णकटिबंधीय बनाता है। साथ ही यह हिंद महासागर से उठी वाष्पित हवाओं को रोककर पूरे देश में बादलों को बरसने के लिए मजबूर करता है। हिमालय की यही खासियत अक्सर उस पर भारी पड़ती है। बरसात के मौसम में इस पर्वत की कमजोरी अक्सर इसकी सतह पर दिखाई देती है। बादल फटने या तेज बारिश से ही जम्मू कश्मीर, हिमालय प्रदेश या उत्तराखंड में कई जगह पहाड़ों के दरकने या चट्टानों के टूटने की खबरें आती रहती हैं। कई बार तो इसकी नदियों की तेज धार से भी इस पर्वत को नुकसान पहुँच जाता है। आपको बता दें कि हिमालय की उम्र 5 से 6 करोड़ साल की है। अब जान चुके हैं कि हिमालय का निर्माण भारत और एशिया के नीचे की टेक्टोनिक प्लेटों के टकराने से हुआ। आज भी ये प्लेट दूसरे के खिलाफ जोर लगा रही हैं, यानी हिमालय आज भी विकसित हो रहा है। दुनिया के दूसरे पर्वतों के मुकाबले इसके नीचे सबसे ज्यादा हलचल है और ये लगातार विकसित हो रहा है। दोस्तों, हिमालय जब बना तो उसके शिष्ट टूट टूट कर नीचे गिरने लगे, जिन्हें शिवालिक पहाड़ियां कहा जाता है। भूगोल शास्त्री जब हिमालय का अध्ययन करते हैं तो वो हिमालय को 4 भागों में विभाजित करते हैं। सबसे ऊंचा महान हिमालय है, जिसे ग्रेट हिमालय भी कहा जाता है। ग्रेट हिमालय में ही माउंट एवरेस्ट की चोटी है और कंचनजंगा, धौलागिरी जैसी ऊंची पर्वत चोटियां भी हैं। इसके बाद लघु हिमालय आते हैं। लघु हिमालय वो पर्वत होते हैं जहां सबसे ज्यादा पर्यटक घूमने के लिए आते हैं, जैसे कुल्लू मनाली। इसकी औसतन ऊंचाई 1500 से 4000 मीटर है। इसके बाद आती है 300 से 500 मीटर ऊंची शिवालिक पहाड़ियां। ये पहाड़ियां हिमालय के शीर्ष से बनी हैं। इसके अलावा ग्रेट हिमालय के पीछे वाला हिस्सा ट्रांस हिमालय में आता है, जिसमें कराकोरम पर्वत चोटी आती है। जानकार बताते हैं कि हिमालय की चढ़ाई जितनी रोचक है उतनी ही खतरनाक भी। एवरेस्ट की मृत्यु दर 9% है। रिकॉर्ड की माने तो अब तक 150 से भी अधिक लोग इसकी चढ़ाई करते समय अपनी जान गंवा चुके हैं। उम्मीद करते हैं आपको हिमालय के बारे में कुछ जानकारी मिली होगी और इस वीडियो को आप शेयर करेंगे। अन ऐसी ही रहस्य भरी जानकारी के लिए देखते रहें द दस्तक 24। धन्यवाद।